सवा नदी की बंद पड़ी चपलासर रेत खदान से अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर ला रहे राजस्व अमले पर रेत माफिया ने हमला कर दिया। माफिया ने अफसरों की जमकर पिटाई की और रेत से भरे 3 ट्रैक्टर ट्राली छीन कर ले गए। रेत माफिया के डंडों से लैस करीब 8-10 गुंडों ने नायब तहसीलदार अतुल श्रीवास्तव और पटवारी यशवंत राजपूत, दूल्हे सिंह राजपूत और अभिषेक ठाकुर की पिटाई की। तहसीलदार निधि चौकसे को भी धमकाया। अफसर कर्मचारियों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। इस मामले में कलेक्टर धनंजय सिंह भदौरिया ने SDM से रिपोर्ट मंगाई है। बाबई थाने में नायब तहसीलदार अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट पर खनन माफिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर धनंजय सिंह के निर्देश पर खनिज राजस्व व पुलिस टीम रेत का अवैध कारोबार करने वालों पर भी कार्रवाई कर रही है। कलेक्टर ने बताया कि रेत माफियाओं को चिन्हित कर लिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि रेत माफिया के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।